हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपकी अपनी रिट्स, आ गई हूँ फिर से एक नई वीडियो लेकर के। सो गाइस, आज की जो वीडियो है ना हमारी, वो होने नहीं वाली है प्रैंक, बिल्कुल भी प्रैंक नहीं होने वाली है यार। एक ही सोशल मैसेज होने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए। तो यार मैं आपको बता दूं कि मेरी एक फ्रेंड है काव्या, जो प्रैंक ऑन यश चौधरी पार्ट 2 में आई थी यार, जिसने नहीं देखी अभी तक देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा। तो यार वो बंदी एक महीने से बहुत ज़्यादा परेशान चल रही है, तो उसने मुझसे ये चीज़ें शेयर किया फ़ोन पे, थोड़ी सी चीज़ें शेयर किया। बाकी मैं उसे कॉल करके बुलाऊंगी कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या उसके साथ, कि वो इतना मेंटली डिस्टर्ब क्यों है। तो मैं उसको कॉल कर रही हूँ, मुझे भी नहीं पता वीडियो में क्या होने वाला है। ये तो आप उसी से ही पूछेंगे क्या होने वाला है क्या नहीं, तो उसे कॉल करते हैं यार, देखते क्या होता है। कॉल लग, हेलो हेलो, कहाँ पे है, कहाँ पे है? मैं यही करूँ, बताओ क्या हुआ। वो यार ये सामने वाली पार्क में आ जाए एक बार। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। जल्दी। तो यार मेरी जो फ्रेंड है वो आने ही वाली है, मुझे पता नहीं है वीडियो में क्या होने वाला है। तो क्या होने वाला है स्किप मत करना बिल्कुल भी, पूरी देखना वीडियो को और प्यार देना वीडियो को, हमेशा की तरह वेट करते हैं उसका। गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बहुत ही ग्रेट न्यूज़ के बारे में बताना चाहती हूँ, एक चैनल के बारे में जिसका नाम है 3 मिनट्स ऑफ मोटिवेशन। जी हाँ, ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आपको बता देना चाहती हूँ कि अपने चैनल पे एक ड्रॉ शुरू करने वाली हूँ, जहाँ पे 3 लोगों को मैं 6,000 रुपये दूंगी। हाँ, किसी 3 रैंडम पीपल को जो कमेंट करके और जो सब्सक्राइब करके आएंगे 3 मिनट्स ऑफ मोटिवेशन को। मैं प्रॉमिस करती हूँ किसी 3 लोगों को मैं 2,000 रुपये करके दूंगी, जो सब्सक्राइब करके आएंगे 3 मिनट्स ऑफ मोटिवेशन को। और सब्सक्राइब करके मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी के साथ कमेंट करना, ताकि आपको जीते हुए पैसे मैं ईजिली वापस कर दूँ आपके वॉलेट में। तो यार जाके सब्सक्राइब करो और इसका हिस्सा बनो, मेरे जो लकी ड्रॉ चल रहे हैं, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं आपको 2-3 दिन में 3 या 4 दिन में बता दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में उसका अनाउंस कर दूंगी। तो गाइज देरी किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके सब्सक्राइब करो 3 मिनट्स ऑफ मोटिवेशन। 5-7 मिनट हो चुके हैं यार, मैंने फोन किया है यार, यहाँ हूँ, आ जा यार। हाय, क्या हुआ, ठीक है सब? बस ठीक है, बैठ जा। तू सुना? बढ़िया। प्रैंक ऑन यश चौधरी से तो बहुत फेमस हो गए आप। हाँ यार, अच्छे लग रहे थे, पंजाबी कुड़ी लग रहे थे एकदम। अच्छा, और बताओ सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, बस यार लड़के ने परेशान किया हुआ है। आप जब हमें बताओगे नहीं हुआ क्या, तो मैं ऐसे कैसे सपने आ जाएंगे कि लड़के ने? समझ नहीं आ रहा कि मतलब ऐसे इतना कुछ है भी नहीं बताने के लिए, और अब ना मतलब है भी है, लेकिन मतलब समझ नहीं आ रहा कि वो लड़का चाह क्या रहा है। मतलब मेरा मतलब अच्छा दोस्त था वो, ठीक है, मैं हाई हेलो होती थी, अब वो कंटिन्यूसली फोन कर करके इरिटेट कर रहा है। उसको बोल दिया एक बार कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब तू मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन वो है कि फोन करे जा रहा है। सही बता क्या सीन है, रिलेशनशिप वगैरह कुछ ऐसा है? नहीं यार, दोस्त है वो सिर्फ मेरा, और कुछ नहीं है, लेकिन बस की बात कर बात कर। अरे यार मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उससे बात करूं, और भी मेरे पास दुनिया भर के काम है, और वो है कि बात कर बात कर। तो वो फोर्स क्यों कर रहा है, पता नहीं क्या चाहता है। उसको बोल दिया कि बता दे एक बार क्या करना चाहता है, क्या बात है। सब कुछ नहीं सुनना मुझे इससे ज्यादा, तू बस इतना बता दे तूने मुझे ये चीजें पहले क्यों नहीं बताई। अरे यार मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताई कि तेरे चैनल पे फर्क पड़ेगा, कि फिर तू फोकसली अपना काम नहीं कर पाएगी, बस यही रीजन था तेरे को ना बताने। और मैं अगर बोलूं चैनल से बढ़कर है तू फिर? अरे यार चैनल कुछ नहीं है मेरे लिए, मेरे दोस्त पहले है मेरे लिए, ठीक है। और तुझे मुझे ये चीजें है ना जो तू आज बता रही है, थोड़ी तो तूने फोन पे बताई, थोड़ी अब बता रही है, जितनी भी चीजें है ना सारी बात को मिट्टी डाल, तूने मुझे पहले बताना चाहिए था कि ये चीजें हो रही है। यार मतलब छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, ये एक बार नहीं दो बार समझ जाएगा, लेकिन वो इतना क्या है, इतना साइको हो गया है वो, मतलब कंटिन्यूअसली फोन करे जा रहा है, समझ नहीं आ रही है उसको सीधी बात, क्या करूं मैं अब। तू क्या कर मैं बताती हूं, तो उसको फोन मिला और उसको यहां मिलने बुला, और सुन सामने लगा हुआ है कैमरा, वो देख एरिको खड़ा। तो तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर ये वीडियो यूट्यूब पे जाए लाइव, तेरी स्टोरी अगर किसी को पता लगे तो? नहीं यार मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। चल ठीक है, तू उसको फोन करके बुला, अब तो ये कर, उसको फोन करके बुला यहाँ पे, बट कैसे भी बुला ले उसको एक बार यहाँ पे। अरे वो यार दौड़ा दौड़ा आएगा, वो तो चाहता है मुझसे मिलना, मुझसे बात करना, मैं ही उससे बात नहीं करती हूँ। चल ठीक है, तो उसको मिलने करके रखा हुआ है। पर यार लोग इतने वेले क्यों है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। पूछते हैं उससे वो इतना वेला क्यों है। हेलो, हाय काव्या। हाय, कहाँ पर है? घर पे। अच्छा मेरे को मिलना है तुझसे अभी। अभी? हाँ। कहाँ पे?
मेरे को वो जहाँ मेरे घर के सामने पार्क है ना, हाँ वहीं पे मिलना है। चल ठीक है भाभी, चल ठीक है। कितनी देर में कितना टाइम लगेगा? चल ठीक है आ जा। भाई बंदा बोल रहा है 10 से 15 मिनट में आएगा, तो वेट करता है 10-15 मिनट, उसका क्या होता है देखते हैं। चल तू टेंशन मत ले यार, सामने आ रहा है जो वही है, वही है। चल परेशान मत हो, आ रहे थे बात करते हैं। हाय हाय, ये मेरी फ्रेंड रिच, कैसे हो? बढ़िया तो बहुत हो गया है। मैं भी गुड हूँ यार। क्या हो गया आप लोगों का, मतलब क्या सीन है? अरे यार एक्चुअली क्या है, मैंने इसको एक बार बता दिया, एक बार नहीं मैंने इसको 10 बार बता दिया कि देख प्लीज़ यार मुझे डेली डेली फ़ोन मत किया कर, ठीक है, मेरे पास और भी बहुत काम होते हैं। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई, ये पागलों की तरह डेली कंटिन्यूसली कॉल करे जाता है मुझे, ना दिन देखता है ना रात देखता है। मुझे तो मतलब अगर किसी लड़की ने नंबर दे दिया तो उससे बात करनी है तुमसे, एज अ फ्रेंड भी बात कर सकती है ना। नंबर क्यों दे रहे हो तुम? तो बात नंबर दे दिया तो क्या हो गया? नंबर देना गलत होता है क्या? नंबर दे दिया, दोस्ती में नंबर दे सकता है कोई भी किसी को, क्या हो गया? हाँ वो सब घूमना तो मतलब रिलेशनशिप होता है नंबर देना मतलब। हाँ। बहुत घटिया सोच है तुम्हारी यार, वाहियात सोच के बंदे हो तुम तो, तुम्हारी सोच बहुत बेकार है ना, वो बता रही हूँ मैं तुम्हें। वो मेरी सोच है ना। अच्छा और क्या सीन है? अरे कुछ नहीं यार, बस परेशान कर रखा है उसको, समझा दिया है प्यार से तुम उनकी, तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है बस, पर उसको समझ ही नहीं आ रहा है। तुम क्या चाहते हो बताओ? मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। अच्छा जबरदस्ती आना चाहते हो? ये कोई खिलौना है? वो लड़की है, खिलौना नहीं है। आना चाहता हूँ रिलेशनशिप में, उसने तुम्हें एज अ फ्रेंड नंबर दिया था, उससे एक महीना बात करी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे रिलेशनशिप में आना चाहती है। अरे यार वो एक महीना भी नहीं बात की, मुश्किल से 2 से 4 दिन बात की होगी, और वो भी हाय हेलो बस क्या हाल चाल है बस, दैट्स इट, इससे ज्यादा कोई बात नहीं हुई है हमारी। अच्छा हाँ जी इतनी ही बात हुई है हमारी यार, फ्रेंड हो फ्रेंड की तरह रहो ना, मेरे सर पे मत चढ़ो। यार तुम चाहते क्या हो, तुम ये बताओ तुम क्या चाहते हो? वो तो नहीं करना, मैं इसकी तुमने मुझे कुछ नहीं बोला, लेकिन तुम मेरे साथ जो खड़ी है वो मेरी बहन है, तो उससे तो बोल रही हो ना, मुझे उससे दिक्कत हो रही है। इससे मतलब है ना, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा, मैं तो तुमसे बात कर रही हूँ ना यहाँ पे, तुम उसको परेशान कर रहे हो, उसकी लाइफ डिस्टर्ब कर रखी है, वो बंदी इतने दिनों से परेशान है। तुम होते कौन हो? किसी भी लड़की को यूं ही, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है वो। मुझे किसी की लाइफ से कोई मतलब नहीं है, किसकी लाइफ कैसे चल रही है वो ना तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। जो तुम उससे चाहोगे कि रिलेशनशिप में आ, तो रिलेशनशिप में आ जाएगी। अगर मैं लड़की तो चाहूंगा, ने वही होगा। अच्छा तो हाँ। तुम गुंडे हो कहीं के? हाँ। अगर लड़की ने एक बार बोल दिया ना नो मतलब नो मीन्स नो, समझ में नहीं आ रहा, एक बार करना चाहते हो आप उससे बात? अरे बिल्कुल नहीं ना करना चाहती यार, आगे समझ, वो बात नहीं करना चाहती है। तुझे तो मैं बताऊंगा। क्या बताऊंगा? जब लीक करूंगा ना अच्छा, तब पता चलेगा। बंदी यार मतलब मेरा फ्रेंड है ये, मतलब ये ऐसी बातें कर रहा है। क्या फोटोज दिखाओगे जरा, मुझे भी दिखा दो फोटोज, ऐसा कुछ है ही नहीं। वो तुम देख लेना, मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत फ्रेंक हूँ, मेरी फैमिली को सब पता है, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, अगली अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकती है, वो अपने वो तुम्हें सिर्फ दोस्त मानती थी, लेकिन तुमने हरकतें दिखानी शुरू कर दी, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, तो तुम्हें इस चीज़ को समझना पड़ेगा, वो नहीं करना चाहती। प्यार की भाषा अगर तुम्हें समझ में नहीं आती तो मैं तुम्हें दूसरी भाषा से समझा दूँ। कौन सी भाषा है मुझे समझा दो। देखो यार मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे तुमसे बहस करने नहीं आई, मैं जस्ट तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि वो बंदी तुमसे बात नहीं करना चाहती, और अगर एक लड़की ने बोल दिया नो मीन्स नो, वो नहीं करना चाहती बात, मतलब हर चीज अगर लड़की ने हाँ बोल दिया तो हाँ, लड़की ने नो बोला। लड़की ने कब हाँ बोला रिलेशनशिप में आने के लिए? बोला आपने? नहीं ना, नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला मैंने। नंबर क्यों दिया फिर? तो नंबर देना गलत नहीं होता, नंबर हम किसी दोस्त को भी दे सकते हैं। अपनी घटिया वाहिया सोच सुधारो यार, कौन सी दुनिया में जी रहे हो यार। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है मुझे फोन करना बंद करो, ठीक है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुझे तो मेरे से बात करनी ही पड़ेगी, तुझे जो मर्जी करना है कर ले। क्यों करूं मैं तुझसे बात यार, ये कोई धक्का है क्या? यार ये कोई धक्का है क्या, तुम्हें मेरे से बात करनी पड़ेगी क्या है? तुम्हें अगर लगता है ना हम तुम्हारी इस धमके से डर जाएंगे तो तुम मतलब बहुत गलत सोच है तुम्हारी, हम नहीं डरने वाले, और उसके साथ मैं खड़ी हूँ। सब डरते हैं कोई बात, हम नहीं डरते। आप भी डरोगे? फोटोज की जो तुम बात कर रहे हो, क्या क्या दिखाओ मुझे जरा, वो आप देख लेना ना। क्या आप भी दिखाओ ना, सोशल मीडिया पे हो ना? सोशल मीडिया पे हूँ, सोशल मीडिया पे ही हूँ मैं। आ, मिल जाएगी आपको, तो अभी दिखाओ ना क्या है। नहीं दिखाना अभी, जब है ही नहीं ऐसा। गलती सुनो, डरता वो है जिसने गलती की हो, मुझे पता है वो बिल्कुल
उसकी कोई गलती नहीं है कहीं पे भी, तो मुझे और उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है जब हमारी कोई गलती नहीं है कहीं पे। और सोशल मीडिया पे तुम क्या दिखाओगे, सोशल मीडिया पे हम तुम्हें कुछ और दिखाएंगे। क्या दिखाओगे, इधर तो हो जाओ, थोड़ा इधर इधर होके बात करो ना यार, वहाँ पे लोग आ रहे हैं ना, इधर हो जाओ, थोड़ा तमाशा क्रिएट थोड़ा कर रहे हैं हमें, हम तो यहाँ पे प्यार से बात करने आए थे। लेकिन तमाशा ही क्रिएट कर रहे हो। मैं तमाशा क्रिएट कर रही हूँ, तुम्हें अगर उसने बोल दिया नो मींस नो तो तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा। मैंने उससे अकेले में बोला था, पब्लिक प्लेस में नहीं। तो वो तुम्हारे बाप की जागीर भी तो नहीं है ना, अब जो तुम बोलोगे वैसा होगा, कठपुतली नहीं है ना तुम्हारी। बात समझ भी तो नहीं आ रही, मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे फोन करना बंद करो, मुझे परेशान करना बंद करो, तुम्हें इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आ रही है। नहीं मैं, पता है मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि हमारी दोस्ती खराब ना आए, कि हमारी दोस्ती खराब ना हो, हम कि सब कुछ प्यार से ही निपटा लें, पर शायद वो बात तुम्हें ना समझ नहीं आ रही है। जो करना है कर ले। चलो तुम फोटोज दिखाओ जरा, एक आध फोटोज दिखा दो, कुछ होगा ऐसा तभी दिखाओगे ना, दिखाओ यहाँ पे खड़े हैं बंदी नहीं है यार। अरे है, हो ही नहीं सकता। आप वो कौन? मुझे ट्रस्ट है इसके, मैं इसकी बहन हूँ, समझ में आ रहा है? बहन हूँ इसकी, बहन हो ना मेरी थोड़ी ना। हाँ तो है तो दिखाओ, दिखाओ तो सही, कुछ तो दिखाओ मुझे। तो है ही नहीं कुछ, दिखाओगे तुम? आपको जो है जूम करना कर दो। है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या दिख जाएगा, क्या करेगा तू ये बता, क्या करेगा? मैं कर लूंगा, कर ले फिर, खड़ी हूँ मैं यहीं पे, कर ले जो करना, कर लूं, कर यहीं पे करना। यहाँ पे क्यों करूँ? यहाँ पे करना, पता चलेगा तुझे एक लड़की को छेड़ना क्या होता है, एक लड़की की इज्जत गिराना क्या होता है, तुझे यहाँ पता चलेगा? पब्लिक प्लेस में तो पता चलेगा वो ही कुछ नहीं। और अब पब्लिक प्लेस क्या, तू सोशल मीडिया की बात कर रहा था ना, सोशल मीडिया पे भी जाएगा अभी, तेरी शक्ल के साथ जब तेरी वीडियो जाएगी ना, अच्छे से जाएगी, कि ऐसे घटिया लड़के, कुछ घटिया लड़कों की जैसे पूरी लड़का जाति बदनाम हो जाती है, पता चलेगा तुझे। देख लगा हुआ है सामने कैमरा मेरा ना, यूट्यूब पे चैनल है ठीक है, और तेरी वीडियो के साथ ना, तेरे फेस के साथ वीडियो जाएगी ना जब यूट्यूब पे, कि ये घटिया बंदा है जो एक लड़की को फोर्स कर रहा है कि मुझसे बात कर, मुझसे रिलेशनशिप में। क्यों भाई, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है वो, अगर लड़की ने कह दिया नो मतलब नो, नहीं आती समझ। हमने, इसने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था, दो दिन पहले बता दिया था, लेकिन हाँ ये प्लान था हमारा तुम्हें यहाँ बुलाने का। अब पब्लिक प्लेस में यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हैं, करो ना जो करना है, करो अब, यही करो ना, हम यही खड़े हैं यार। सॉरी 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 किस लिए, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, ये सब नहीं करना। सॉरी किस तरीके से बोल रहे हैं अब, क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुम्हारी ना जो गलती है ना उसकी कोई माफी नहीं है एक्चुअली बात। अभी तो तुम थोड़ी देर पहले मुझे धमकियां दे रहे थे, इनफैक्ट मेरे साथ साथ। जरा कैमरा इधर थोड़ा सा घुमा दे, जरा शक्ल अच्छे से आनी चाहिए इस बंदे की। अरे यार मतलब मेरे, मुझे तो धमकियां दे ही रहे थे, साथ में मेरी दोस्त को भी धमकियां दे रहे हो। वाओ, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं कर सकते। अब बोलो ना क्या करोगे यार। सॉरी मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। तो इतनी देर में क्यों रियलाइज हुई? अब यूट्यूब पे जाएगा तो तुम्हें रियलाइज हो गया एक मिनट के अंदर? वाह बड़े सही इंसान हो यार तुम तो। YouTube पे डलेगी ना, तुम्हें पता तो चलना चाहिए कि एक लड़की की इज्जत क्या होती है। एक लड़की तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, अगर उसने कह दिया नहीं बात करनी तो नहीं, धक्के से किसी के साथ रिलेशनशिप पे आओगे? वो तुम्हारी कठपुतली है। इसको समझ ही नहीं आ रहा, मैं कब से समझाने की कोशिश कर रही थी यार। सॉरी मेरी भी फीलिंग्स है। अब क्यों बोल रहे हो सॉरी? फीलिंग्स यार देखो, हम तुम्हारी फीलिंग्स ही रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये फीलिंग्स नहीं है सही बताऊं तो, ये पागलपंती है कि अगर कोई तुमसे बात नहीं करना चाहता तो धक्के से तुम उसे जबरदस्ती बात नहीं कर सकते। कब तक कर लोगे किसी से जबरदस्ती बात? एक दिन दो दिन वो डर के कर लेती, परेशान होके चल ठीक है, तीसरे दिन तो वो चली जाती ना दूर, क्योंकि उसे बात करनी नहीं है, उसके मन में तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। यार काव्या प्लीज, हाथ कैसे पकड़ रहे हो उसका? हाथ कैसे पकड़ा, हाथ कैसे लगाया? इसे मना कर दो, YouTube पे ना डालें। यार हाथ कैसे लगाया उसको? तो तुम्हें पहले क्यों नहीं समझ आ रही थी ये बात? अब क्यों सॉरी बोल रहे हो? अब क्यों रियलाइज कर रहे हो? इसे सॉरी फील करो, सबके आगे यहाँ पे जितने लोग हैं और सामने कैमरा भी है, लाइव देख रही है पब्लिक। कुछ तुम्हारे घटिया लड़कों की वजह से ना सारे लड़कियां भरोसा ही नहीं कर पाती यार किसी पे। हमारे भी दोस्त है यार, तुम्हारे भी दोस्त है, बहुत अच्छे लड़के होते हैं, तुम कुछ लड़कों की वजह से ना सब बदनाम हो जाते हैं। ऐसी चीजें हम घर वालों से भी डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि घर वालों को भी फिर गलत ही लगता है और फिर वो बाहर आना जाना बंद कर देते हैं हम लड़कियों का। हर जगह से लड़की फंस जाती है तुम्हारी वजह से। उसे बोलो सॉरी, हमें मत बोलो, उसे बोलो सॉरी काव्या। आगे से पहले क्यों नहीं रियलाइज हुई? अभी क्यों रियलाइज हुई है गलती? आगे से उसे कोई कॉल मैसेज मत करना। नहीं करूंगा, समझ गए? आ गई ना बहन है घर पे है ना, तो बस उसकी इज्जत है ना बहुत मन में, तो ये भी किसी की बहन है, ये भी किसी की बहन है। निकलो प्यास। लोगों को आते हैं दो।
मत कर अपने आप को रोके, तू बहुत स्ट्रांग है और आई लव यू. थैंक यू सो मच यार. कोई बात. हेलो गाइज, आप सब लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा कि इन्होंने मेरी कैसे हेल्प की है. और मैं आपको वीडियो में बस यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ जो भी आपकी आपकी जो भी फ्रेंड है, अगर कहीं भी 1% भी अगर आपको लगता है कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, तो प्लीज़ गाइज उसको वहीं स्टॉप लगा दीजिए और उसको ये समझाइए कि वो सिर्फ आपके फ्रेंड हैं. क्योंकि ऐसी सिचुएशन हम खुद ही क्रिएट करते हैं कई बार, होता है ऐसे. लेकिन आप वीडियो में देखेंगे कि मेरी तो कुछ गलती भी नहीं थी, वो जस्ट मेरे फ्रेंड थे, लेकिन फिर भी वो मतलब मेरी लाइफ पे इतना हैवी होने लग गया था कि मैं बता नहीं सकती हूँ. और मैं किसी से डिस्कस भी नहीं कर पा रही थी. और आप लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ, प्लीज़ गाइज इन ये रिलेशनशिप ये सारी चीज़ों से दूर रहिए, बाहर निकलिए इन सब चीज़ों से. आपके लिए फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपकी फैमिली ही फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए. तो गाइज़ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना. ये इनकी एक रियल स्टोरी है जो कि हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि आप लोगों को एक फैमिली मानते हैं ना यार, इसलिए. तो यार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना. और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. बाकी लव यू ऑल. थैंक यू.